और तीनों में घनी दोस्ती रहे, लेकिन तीनों को भगवान की कृपा से फिल्म देखने का शौक लग गया। अब तो घर घर मोबाइल है, पहले फिल्म देखने जाते थे हमारे जमाने में लोग, टिकट कटे, फिल्म देखने का शौक जब लगा तो तीनों फिल्म देखें। घर वालों को पता चला कि ये फिल्म देखते हैं, तो घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया। अब उन्होंने फिल्म देखने के कारण चोरी को करना शुरू कर दिया। कोई बेचारा साइकिल वारो, फल बेचवे वारो, जा रहो भाई पकड़ लो, साइकिल छीनी और बस उसके पास जो पैसे थे वो छीने, लेकिन भगवान की कृपा से वो पहचान लिए गए। उन्होंने सोचा वारे वाह, घर गए तो घर वाले मारेंगे, और साइकिल वाले ने थाने में उनके नाम से रपट करी। सोचने लगे पुलिस पीछा कर रही है, घर जाए तो घर वाले मारेंगे, और पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो पुलिस पीटेगी। मुसलमान बोलो यार तुम्हारे हिंदू धर्म में सबसे अच्छा काम है महात्मा है जाओ। अहीर बोलो यार महात्मा तो है जाते, तो महा के महीना में नहाओ ना जाए वो हमसे, और नहाए नहाए ऐसे ही बद्ध की तरह रहे तो महात्मा बने वो बेकार। तो मुसलमान बोलो सो काहे को, इस बोलो सो काहे को, बोले और। ईसाई ने कही ऐसे बन जाओ सोहम बाबा, नहाओ तो भली और ना नहाओ तो भली, बद्ध की जैसी कहूँ वो। हाँ सोहम रोटी, सोहम रोटी, इधर चले जाओ, बहुत महात्माओं की इज्जत है पछा। जवाब दिया बात तो बिल्कुल सही कहे। सो तीनों महात्मा बन गए, और जब वे तीनों महात्मा बन गए, महात्मा तो बने लेकिन ज्ञान नहीं आया। छह महीना में खाए खाए गए, सुशील भैया सूर जैसी गर्दन है गई अच्छी बिल्कुल। हाँ पर ध्यान रखना दादा, जो फ्री की खाता एक दिन निकल जाती है, अच्छी निकलती है। जो फ्री की दलाली करता है उसकी एक ना एक दिन निकल जाती है। तीनों भीख मांगे, खाए, आनंद आ रहा, अब तो खूब मोटे ताजी हो गए, खा खा गए। एक दिन एक प्रधान जी जयपाल जी के यहाँ पहुंच गए। प्रधान जी ने बड़ा सम्मान किया, कुर्सी डाली, भोजन बनवाया। अहीर बोलो प्रधान जी भैंस बहुत पाल रखी है, दूध अच्छा है रहा होएगा। प्रधान जी बोले हाँ दूध अच्छा खासा हो रहा है। जवाब दिया आज हमारी कुछ इच्छा चल रही थी खीर खाएवे की, तो जब ये कही खीर खाएवे की तो उन्होंने कहा गुरुजी थोड़ी देर बैठो हम खीर बनवा देते हैं। बोले सो नहीं, और अगर हो तो थोड़ा दूध दे दो, खीर बनाए कुटिया पे जाके। तो उन्होंने क्या काम किया प्रधान जी ने, बोले महाराज जी चीनी और चावल कहाँ मांगोगे, फिर दुकान से चावल चीनी गोला किशमिश बादाम मुनक्का सब भद्दे बिल्कुल। तीनों महात्मा कुटिया पे आए और तीनों ने मिलके खीर बनाई, और खीर कैसी बनी आहा हा, खुशबू के मारे नाक फटी जाए, भूख में एक ही जनों खाए ले। सो अहीर बोलो रे खीर खाएगो कौन। मुसलमान बोलो भैया तीनों ने दूध मांगो है, तीनों ने आग जलाई है, अरे तीनों बांट के खा लो। ईसाई बोलो यार बिल्कुल सही बात है, तीनों बांट के खा लो। अहीर बोलो सो बिल्कुल ना, और खीर वो खाएगो जो सबसे अच्छो सपनों देखेगो। क्या हाँ मुसलमान बोलो चलो भैया जैसी तुम्हारी राजी वैसे हमारी राजी। तीनों सो गए और खीर को ऊपर से छन्ना बांध के कुटिया में टांग दी। मुसलमान उठो, पीले कपड़ा उतारे, टोपी लगाई, दूसरे कपड़ा पहने, थोड़ी सेंटोल लगाए ले सोए गए। ईसाई उठो, बाऊ ने भी कपड़ा उतारे, अपने स्वाफा बांधो, जो भी कपड़ा थे वो उसने पहने, बहु सोए गए। मुसलमान उठो, दोनों की नाक पे हाथ रखो, दोनों सोए रहे। और जब वे दोनों सोए रहे, अहीर ने कहा देखो अहीर उठो, दोनों की नाक टटोई, सोए रहे। सो पतीली उठाई और अहीर ने खीर खाई, और खीर खाए की पतीली धोए की जैसे को तैसे छन्ना बांध के टांग दो, और अहीर सोए गए। सुबह भयो मुसलमान जगो, अरे ईसाई भैया अरे उठो खीर इंतजार कर रही है उठो। ईसाई उठो, मुसलमान बोलो भैया तूने कौन सो सपनों देखो। आहा मुसलमान ने कहा मैंने बहुत अच्छा सपना देखा, मक्का मदीना पहुंच गया, अल्लाह के फरिश्तों ने कहा ये पीले कपड़े क्यों पहने, ये तुम्हारे धर्म में नहीं है भाई, ये दूसरे कपड़े पहनाए गए, ये टोपी लगाई गई हैं और सेंट लगाई गई, देखो खुशबू नहीं आ रही है। ईसाई बोलो हाँ खुशबू के मारे मेरी नाक फटी जाए।
तूने क्या देखा? तो ईसाई बोलो पहुंचे सातवें आसमान पर और देखा ऐसा ख्वाब और ईसा मसीह के दरबार से लौटे अभी जनाब। बोले सातवें आसमान पर पहुंच गए। और हमारे गुरु नानक जी ने कहा कि बिना मतलब में क्यों महात्मा बन गए? ये पांचों हथियार धारण करो, कपड़ा बदल लो, ये कपड़े सब वही दिए गए हमको। मुसलमान बोलो यार सपनों तेरो भी अच्छो है। मुसलमान बोलो जा अहीर को तो जगा लो, अब वो तो खाए के पहले से ही सोए रहो। अहीर यादव को जगाए, इधर से उंगली करें भैया, अरे भैया उठो खीर खानी या नहीं, तो इधर को करवट ले जाए, इधर से जगह, अरे उठो भैया इधर से करवट इधर को ले और इधर से इधर को करवट ले, उठो भैया मुझे 100 वन दे दे तो बहुत अच्छो। अरे मुसलमान बोला क्या सपना देखा बता? सपनों का देखो, आधी रात में वो टेढ़ी टांग मारो हनुमान मुद्दका लेके कूद पड़ो। क्या? हाँ, कि आधी रात के अतिखंडा पे मेरे कूद गओ महावीर, और दई मुद्दका चांद में तू जल्दी खाए ले खीर। आधी रात में मेरे टेढ़ी टांग मारो हनुमान, आओ एक मुद्दका मारी खीर खा। तो भैया डर के मारे मैंने थोड़ी सी खाई, दूसरी मुद्दका मारी मैंने थोड़ी सी और खाई, और तीसरी मुद्दका मारी सोई मैंने खाए की पतीली धो के टांग ली। मुसलमान बोलो तेरी टेढ़ी टांग बारो हनुमान आओ तो तेने हमें क्यों ना जगाओ? यादव बोलो जगात का तेरी ऐसी कुए, तू मक्का मदीना में बैठो, तू 7:30 में आसमान पे बैठो, सारी रात पिटक तो अकेले हम रहेंगे झोपड़िया। तो आजकल के ऐसे महात्मा, इन महात्मन की कच मत पूछो। जय बोलो कृष्ण मुरारी की जय। उसी जगह चलते हैं जहां कथा का प्रसंग चल रहा था। कंस पाप ही पाप करता है, अत्याचार ही अत्याचार करता है। कंस जब 18 साल का हो गया तो उसके साथ 18 पट्ठा और रहने लगे। एक दिन कान से ऊंची लाठी रहे, कंस यमुना के किनारे खड़ा था। वृंदावन नंदगांव बरसाने से कुछ स्त्रियां दूध दही बेचने जा रही थी, और जब दूध दही बेचने कुछ स्त्रियां जा रही थी, कंस ने उनको खड़ा कर लिया और कंस ने पूछा तुम्हारा विवाह क्या हुआ है?
कुछ गोपिका हाथ जोड़ के बोली भैया हमारा विवाह वृंदावन में हुआ है, एक बोली भैया हमारा विवाह गोकुल में हुआ है। कंस कहने लगा मथुरा के लड़के क्या मर गए थे तो तुम्हारा विवाह वृंदावन और गोकुल में हुआ? लाइन से खड़ी कर लेता उन अबलाओं को, मार मार कोढ़ों के मारे तन की खाल उधेड़ देता है वो कंस। उन अबलाओं ने जाकर के अपने घर कहा है कि आज के बाद दूध दही बेचने नहीं जाएंगे। बोले क्यों? कंस ने हमें बहुत अपमानित किया है। सभी यादव इकट्ठे हुए और सभी यादव पहुंचे मथुरा जहां के राजा उग्रसेन है। महाराज से कहा, उग्रसेन सिंहासन पर बैठे हैं। उग्रसेन ने कहा इतने यादव इकट्ठे होके कभी नहीं आए, आज क्यों आए हो? जवाब दिया अपने युवराज कंस को बुलाओ, तुम्हारे बेटा कंस ने बहुत बड़ा पाप किया है हमारी कन्याओं के साथ। उग्रसेन ने कहा बेटा कंस सभा में हाजिर हो। और कंस जब सभा में आयो आहा, उसके साथ 18 उसके मित्र और हैं जिनके हाथ में कान से ऊंची लाठी रहे। आया उग्रसेन ने कहा ये सब यादव तुम्हारी शिकायत लेके आए हैं, बोलो इतना बड़ा पाप तुमने क्यों किया है? अरे तुम होने वाले मथुरा के राजा और इस तरह का पाप अगर करोगे तो मथुरा का हाल क्या होगा? कंस कहने लगा वाह महाराज, अब तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारी उम्र 60 की हो गई और अब तुम राज्य करने के योग्य नहीं रहे। कंस ने आवाज लगाई मथुरा के लोगों, यहां का राजा कैसा होना चाहिए? और कोई ना बोलो, जो 18 मित्र दारू पिए हुए उसके साथ थे